ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಯಾರ್ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಲಾ ಯಾರ್ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರ ಯಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸದಾ ವಂದಿತಾ ಸಾವಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಶೇಷ ಜಾಟ್ಯಾಪಹ ನಿಶೇಷ ಜಾಟ್ಯಾಪಹ ನಿಶೇಷ ಜಾಟ್ಯಾಪಹ
चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम मनुजता को कर विभूषित मनुज तो धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए भगवान राम का एक और रूप है। एक तो हमें दिखाई देता है कि दशरथ के पुत्र रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम हाथ में धनुष धारी, और एक और सूक्ष्म रूप है हम सबकी हृदय में, हम सबकी आत्मा में वो विराजमान है, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहा जाता है। और हमारा कर्तव्य है कि हर एक प्राणी में जिसमें भगवान राम को देखते हुए हर एक का सम्मान करें। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन भूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम जय राम राम जय राम सभी बोले श्री राम जय राम 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 श्री राम जय
मिस्टर प्रभात गुप्ता। रे मा पा नी सा रे नी धा पा, पा नी सा रे नी धा पा, धा मा गा रे, रे गा नी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग से हम रोए। बहुत ही सुंदर संदेश है। जब भी इंसान का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले रोता है और बाकी सब लोग खुशियां मनाते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम सबको ऐसी करनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो हम हंसें और सारा जमाना रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारा शरीर एक चादर के समान है, तो इसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी बोलते हैं, चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया झीनी रे झीनी। चादर का जन्म कैसे हुआ, संसार में कैसे आई और इसको तैयार होने में 9 महीने का समय लगता है। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूरी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली चीनी चदरिया झीनी रे झीनी के रा कर्म करने चाहिए जिससे ये चादर मैली ना हो, और जैसी सफेद चादर हमें मिली है बिना किसी दाग के हम भगवान को अर्पण कर सकें, जैसा कि हमारे महान संतों ऋषियों ने किया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा कबीरदास सुखदेव मुनि।
ध्रुव प्रहलाद सुता माने ओढ़ी च दरिया रे ध्रुव प्रहलाद सुता। ये भजन मूल रूप में राग देश में है। हमारा जितना भी संगीत है भारतीय संगीत रागों पर आधारित है, तो हर समय के अनुसार काल के अनुसार स्थान के अनुसार रागों का निर्माण हुआ। अलग अलग भावों के अलग अलग राग हैं, तो इसी भजन में मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग रागों में इसकी मैं झलक दिखा सकूं। तो सबसे पहले राग देश। सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर भगवान शिव का प्रिय राग मालकोस। यहां पर मैं एक सरगम गाऊंगा जिस पर मिस्टर वैभव शर्मा तबले पर उसी को बजाकर दिखाएंगे। मम गग मम धद मम गग सा सा मम गग मम धद मम गग सा सा स गग मम धद गग मम धदनि मम धदनि स सा सग सनि सनि गग मग सनि सनि गग सनि सधानि माधग मधनि सनि धनि धम गम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि गम धनि सा गम धनि सा गम धनि गम धनि सा गम धनि सा गम धनि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े ध्रुव प्रहलाद सुदामा राम चरण सुखदाई भजो रे चरण सुखदाई भजो रे राम चरण सुखदाई भजो रे। इसके बाद
राग काफी, इसमें भगवान श्री कृष्ण की होली लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अरे सुदामा ने ओढ़ी, अरे हारे चदरिया, सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा। उठते आई कुमारी राधिका, फाग परस पर हिल मिल, खेलत फाग परस पर हिल मिल, शोभा वरणी न जाई, कैसी धूम मचाई मचाई, कैसी धूम मचाई, ब्रिज में होली रचाई, ब्रिज में होली रचाई, कैसी धूम मचाई मचाई। अब अंत में सदा सुहागिन राग भैरवी। राग पर वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, राग देश। सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल की, दास कवि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जू की जू धर दीनी चदरिया, धीनी रे धीनी 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 राम राम।
मदनी सरणी धम गर गर नि धगरे सा जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो यारा जग में सुंदर है दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोले सारे राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 माखन ब्रिज में एक चुरावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक पेर भिलनी के खावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक पेर भिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम एक कंस पापी को मारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे दुष्ट रावण संहारे दोनों दीन के दुख हरत हैं दोनों दीन के दुख हरत हैं दोनों बल के धाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो राम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 एक राधिका के संग राजे एक राधिका के संग राजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग राजे एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो राम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भक्तों को तो हर समय भगवान की जरूरत रहती है, पर इसमें एक नया विचार है, भगवान को भी कभी कभी भक्तों का काम पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को खाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वो अपनी नगरी छोड़कर वन में गए और गंगा के तट पर आए, तो वहां पर उनकी भेंट केवट से हुई, क्योंकि उन्होंने नदी के पार जाना था। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट बहुत खुश हुआ कि मेरे को घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन मिल गए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संदेश मिलता है। भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के साथ ताड़का को मार के जब आगे बढ़े, तो वहां पर एक पत्थर की शिला को जब उन्होंने स्पर्श किया, तो वो उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया, औरत बन गई और उसे मोक्ष मिल गया। तो ये घटना केवट ने भी सुनी, तो उसको डर बैठ गया, कहीं भगवान के चरण का स्पर्श अगर मेरी नौका पर हो गया, मेरी नाव पर हो गया, तो उसका पता नहीं क्या होगा, मेरी रोजी रोटी का यही साधन है। तो इसलिए उसने प्रभु से कहा, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो केवट दौड़ के जल भर के आया, उनके श्री राम के चरण धोए, चरणामृत लिया। उसके भाग्य की कोई सीमा नहीं थी,
उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। फिर उसने भगवान को अपनी नाव में चढ़ाया और गंगा के पार ले गया। अब इन पंक्तियों में एक संदेश भी है, चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। भगवान राम लक्ष्मण सीता नदी के उस पार, गंगा के उस पार पहुंच गए और केवट ने उन्हें वहां उतार दिया। तो भगवान राम ने सोचा कि इस केवट ने इतनी मेहनत की है, हमें गंगा के पार पहुंचाया है, इसको मजदूरी देनी बनती है। परंतु राम के पास तो कुछ नहीं था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वनवासी राम के रूप में आए थे। तब उन्होंने माता सीता को इशारा किया और सीता माता ने अपनी अंगूठी निकाल कर केवट को देनी चाहिए, पर केवट ने मना कर दिया। भगवान राम ने जोर दिया कि ये मजदूरी है, इसको लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो केवट बोला, भगवान मेरे प्रभु, ये शर्म की बात नहीं, ये नियम की बात है। भगवान राम ने पूछा, कौन सा नियम? केवट बोला कि दो इंसान यदि एक ही काम करते हों तो वो आपस में पैसों का लेन देन नहीं करते। भगवान राम सोच में पड़ गए कि मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। उसने कहा, साफ साफ बताओ। तो केवट बोला, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया जात को न बिगाड़िए। भगवान राम ने कहा, ये तो नाई और धोबी की बात हुई, इसमें हमारी और तुम्हारी बात कहां से आई है? तो केवट कहने लगा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरिया जात को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट पार, मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम सीता राम, बोलो राम सब बोले, बोलो राम सीता राम, बोलो राम सीता राम, बोलो राम सीता राम, राम सीता राम, बोलो 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 राम सीता राम। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।